मेरे छोटे भाई ने मुझे छोटा मोटा हाथी बोलना शुरू कर दिया। इस मामले में बहुत लकी रही कि जब मैंने डिसीजन लिया कि बॉडी बिल्डिंग हैज़ टू बी टेकन अप प्रोफेशनली, तो मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट में खड़े थे और आज तो बहुत खुश हैं। शुरुआत बॉडी बिल्डिंग से नहीं हुई थी, शुरुआत वज़न कम करने से हुई थी। शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट होता था मुझे, क्योंकि बॉडी में दर्द हो रहा होता था, खाने को अच्छा नहीं मिल रहा होता था, तो मुझे लगता था मैं क्यों ही कर रही हूँ ये सब कुछ। पहले दिन कार्डियो किया, रोते हुए किया, क्योंकि कभी पसंद ही नहीं था दौड़ना। और 20 मिनट में मेरा ट्रेनिंग सेशन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा कर नहीं सकती थी। आई वॉज इरीटेटेड डूइंग इट। और सच बताऊँ, अगले दिन गई नहीं। रोज़ कभी हाथ में दर्द हो रहा होता था, कभी पैर दर्द हो रहा होता था, कभी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती थी लेग वर्कआउट के बाद। धीरे धीरे बॉडी का दर्द ख़त्म होना शुरू हुआ, धीरे धीरे आदत लगनी शुरू हुई इन चीज़ों की, और उसके बाद सच में तो लत लग गई, मसल डेवलप होने लगे। तो शीशा दिखता था और फिर मसल दिखते थे। यू नो, मसल्स डोंट मेक अ फीमेल अ मैन, इट मेक्स हर मोर स्ट्रॉन्गर, अ वंडर वुमन। सिंस आई गो ऑन स्टेज, तो सिर्फ वर्कआउट नहीं होता है, टाइम निकाल करके भरे जिम में वी नीड टू पोज। मैन डू गेट इंटिमिडेटेड विद अ फीमेल हैविंग मसल्स एंड शोइंग इट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। कभी जिंदगी में बिकनी नहीं पहनी थी लोगों के सामने, बिकनी में जाना था, बहुत ज़्यादा नर्वस थी। अगर कोई मुझसे शादी करेगा तो उसे ये पता होना चाहिए कि आई एम अ वर्किंग वुमन। एट द सेम पॉइंट इन टाइम आई एम इन अ प्रोफेशन वेर इन आई वुड बी मस्कुलर एंड वुड बी ऑन स्टेज वेयरिंग बिकनी, सो यू शुड बी कम्फर्टेबल अबाउट इट।